Hello student, I am Ajay sir and welcome to my channel Simplest Physics by AC. So chalo aaj start karne ja rahe hain hum log fifth chapter, kaun se fifth lecture of rotational dynamics, right? Rotational dynamic. तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि बताया था तुम लोगों को, ये इस चैप्टर को अगर ओवरऑल में डिवाइड करना चाहूंगा तो दो पार्ट में डिवाइड करूंगा. सो फर्स्ट पार्ट होता है इसका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम लोग को स्टडी करना है, जिसमें एप्लीकेशन और सब कुछ आ जाता है, और सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें. और दूसरा पार्ट आता है रोटेशनल मोशन, मतलब हम लोगों को दो मोशन के बारे में इसमें स्टडी करना है, और एक इसमें छोटा सा पार्ट लास्ट में है रोलिंग मोशन, राइट? एक छोटा सा पार्ट. तो ये पूरा चैप्टर इस तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं. तो इसमें से हम लोग जो ये वाला पार्ट है ये कंप्लीट कर चुके, राइट? लास्ट फोर्थ लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है, और उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं करा है. न्यूमेरिकल्स के लिए अलग सेशन रखने वाला हूं मैं लास्ट में, ओके? तो न्यूमेरिकल्स नहीं करा, ओनली थियरी मैंने कवर किया वहां पर. और रोटेशनल मोशन अभी हम लोगों को करना है, और ये करना है, मतलब ये कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद ये वाला करना है. समझ गए? क्लियर है दिमाग के अंदर? तो अभी तक फोर वीडियोस में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था. सर्कुलर मोशन के बारे में चारों वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके उसको अगर नहीं भी देखे हो तो देख सकते हो. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम पूरा सीख जाओगे, तो रोटेशनल मोशन पे आओगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि तुम्हारा चैप्टर एक सीक्वेंस में चलेगा और ये कंप्लीट कर सकते हो, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन से रिलेटेड पार्ट, राइट? देखो, कोई भी मोशन स्टडी करते हैं तो उसको किसी न किसी दूसरे मोशन के रेफरेंस में जो हम लोग पहले से जानते हैं, तो मैं एक तुमको बताना चाहूंगा. जैसे कि लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में एक सिंपल सा मैं एक डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ लीनियर मोशन. तो अभी तक जो जिसके हम लोग जिसको हम लोग पूरी तरह से स्टडी कर चुके हैं, लीनियर मोशन है और सर्कुलर मोशन है, राइट? और इसके बेस पे हम लोगों को पढ़ना है रोटेशनल मोशन. क्या पढ़ना है? रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, और इसमें एक बार फिर से मैं डिफरेंस बता देना चाहता हूँ. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये रोड पे ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई व्हीकल ले सकते हो, ये रोड पे सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट? इसका मोशन जो होगा लीनियर मोशन होगा. और सर्कुलर मोशन तुम जानते हो, सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट है और सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन. बट रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो तुम्हारे घर में अवेलेबल है, तुम्हारे आसपास अवेलेबल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं समझता हूँ उसको फैन को लेता हूँ. जैसे ये फैन, ये छत हो गई, और छत से हम लोग फैन को एक एक्सल लगा होता है, इस एक्सल के हेल्प से उसको सस्पेंड करके रखते हैं, लटका के रखते हैं फैन को. तो और ये एक्सल किस में कनेक्टेड होता है? एक डिस्क टाइप में होता है ऐसा, जिसके अंदर वाइंडिंग होती है वायर की, राइट? ये डिस्क टाइप में होता है, राइट? और इसमें क्या लगे होते हैं? ब्लेड्स लगे होते हैं. ये ब्लेड्स ऐसे लगे होते हैं ना, तीन ब्लेड्स. डायग्राम पे मत जाओ, बात को समझो भाई, मैं तो बोलेगा डायग्राम ही गलत बना रहा है, ओके? तो अगर ये मोशन जो परफॉर्म कर रहा है, मोशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे फैन का, तो तुम समझ सकते हो ये फैन जब घूमता है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन. इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन. क्यों बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन? समझो बात को. रोटेशनल मोशन, फैन के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक्सिस है, ये फिक्स है, ये एक्सिस फिक्स है. और तो मैं बोल सकता हूँ कि रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि किसी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड अलोंग होता है, राइट? फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग पूरी बॉडी घूमती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन. यही अगर तुम अपने घर में भी ये चीज देख सकते हो, अगर हम लोग कहा एक ब्लेड के ऊपर कोई एक पॉइंट कंसिडर करे, तो अगर इस पॉइंट को मार्क कर देते हम लोग, कोई व्हाइट मार्क या व्हाइट पेंट लगा देते और फैन घूमेगा, तो तुम इसका देखोगे कि इस व्हाइट पेंट का या जो भी है इसका क्या होगा? एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा. मतलब एक छोटा सा मास बोलेंगे, तो मास क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन. छोटा मास, तो
मैं बोल सकता हूँ सर्कुलर मोशन और ये रोटेशनल मोशन कहीं ना कहीं कंबाइन होता है। रोटेशनल मोशन पूरी बॉडी अगर किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, मतलब कोई बॉडी है और फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है, राइट। अगर इसी बॉडी का मैं छोटा सा एक कोई भी एक मास ले लेता हूँ, तो इस मास का सर्कल कंप्लीट होता है, दिखाई देता है, मतलब ये सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है, सर्कुलर पाथ में। आप समझ जाओ कि सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर, इसके हेल्प से स्टडी करेंगे तो जो बेसिक कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन का, वही कंसेप्ट इसमें भी आ जाएगा रोटेशनल मोशन में, समझे। तो सर्कुलर मोशन में जो पैरामीटर्स यूज करते हैं हम लोग, अल्फा यूज करते हैं, ओमेगा यूज करते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी एन यूज करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया ये, और थीटा हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सभी चीजें हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, और वेलोसिटी वी, लीनियर वेलोसिटी वी, और रेडियस, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ सिंगल मास इज आर, तो ये सभी टर्म्स इसमें भी यूज करने वाले, ठीक है। तो क्लियर रहना, जो टर्म्स सर्कुलर मोशन में यूज होता है वो टर्म्स रोटेशनल मोशन में भी यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बॉडी कैसे बनी हुई है, एक छोटे से मास को मिला के बनी हुई है, छोटे छोटे मास को मिला के पूरी बॉडी बनी हुई है, और वो एक मास को अगर कंसिडर करते हैं तो हमेशा उसका सर्कुलर मोशन ही होता है, रोटेशनल मोशन बॉडी में भी, समझ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजें में। सबसे पहले क्या पढ़ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वांटिटी हम लोगों को क्या पढ़नी, राइट, उसकी बात करता हूं मैं। चलो करूंगा, रोटेटिंग बॉडी है, रोटेटिंग बॉडी या रोटेशनल मोशन को डिफाइन कर देता हूं तुम्हारे लिए। रोटेशनल मोशन हम लोग कब बोलते हैं कि कोई एक बॉडी रोटेट कर रही है, जब वो बॉडी, सपोज ई रेगुलर से बॉडी में ले लेता हूँ इसको, ई रेगुलर से बॉडी, मतलब इसका शेप फिक्स नहीं है अभी, ई रेगुलर से बॉडी में कोई ये बॉडी रोटेट कर रही है इस फिक्स एक्सिस, जो कि एक्सिस क्या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, एंड इस बॉडी पे किसी एक पॉइंट ओ से पास हो रहा है, और ये बॉडी ऐसे घूम रही है, मतलब इस द एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, राइट। तो ये फिक्स एक्सिस हो गया, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं डिफाइन करूंगा रोटेशनल मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी, पासिंग थ्रू द बॉडी, मतलब बॉडी पर से ही पास हो रही है वो एक्सिस, उसी के अलॉन्ग अबाउट घूमता है पूरा बॉडी, तो इसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं, पासिंग थ्रू द बॉडी, समझे। जब ये बातें आ जाती है तो अब बहुत सारी बातें आती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन में मूव करने के लिए हम लोग को एनर्जी तो लगती है ना, फोर्स लगता है, एनर्जी लगती है, सब कुछ फोर्स से वर्क पता चलता है, तो इसमें भी तो लगेगा एनर्जी। तो इसमें पहले मैं फाइंड करूंगा कि इस पूरी बॉडी का एनर्जी कितना होगा, इस पूरी बॉडी का, पूरी रिजिड बॉडी का। अच्छा, रिजिड बॉडी वर्ड आया, तो रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी जब वर्ड यूज करते हैं तो रिजिड बॉडी का मतलब समझो कि रिजिड बॉडी हम लोग कंसिडर करते किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी के अंदर बहुत सारे मासेस होंगे, छोटे छोटे मास होंगे, राइट, ऐसे, और वो क्या होगा, उनके बीच में फिक्स डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है, राइट। और मैंने क्या किया, इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, राइट, फोर्स अप्लाई किया, ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स तो ये रोटेट करेगा ना, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो इसके बॉडी में जो पार्टिकल है उसके बीच का डिस्टेंस ना कम नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो सिंपली है, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूइंग पार्टिकल, कंस्टिट्यूइंग पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, देन इट इज सेट टू बी रिजिड बॉडी, सेट टू बी अ रिजिड बॉडी। तो चलो, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, जब उसके जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में कोई
डिस्टेंस चेंज ना हो जब वहां से फोर्स अप्लाई हो तो, राइट। बट एक फैक्ट ये भी है कि वहां पे परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं होता है, राइट। परफेक्टली प्रैक्टिकली, परफेक्टली रिजिड बॉडी डजेंट एग्जिस्ट, डजेंट एग्जिस्ट, राइट। परफेक्टली रिजिड बॉडी भी नहीं होती है। रिजिड बॉडी मतलब ऐसी कोई बॉडी नहीं जिस पर हम लोग फोर्स लगाए तो उसमें कोई चेंजेस ना आए। बट हम लोग अपने स्टडी में क्या करने वाले हैं, किसी भी बॉडी को हम लोग रिजिड कंसिडर करने वाले, ताकि हमको उसका जो रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टी वही स्टडी करना, बाकी कोई प्रॉपर्टी, नेचर, इलास्टिसिटी, ये सब स्टडी नहीं करना। तो समझ रहे हो, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग बॉडी को क्या कंसिडर करने वाले हैं, रिजिड कंसिडर करने वाले। तो रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन अभी अभी बताया मैंने, रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन, और उसके बाद में रिजिड बॉडी क्या होती है वो, राइट। जैसा कि मैंने बोला कि लीनियर मोशन में हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और फोर्स किस पे डिपेंड करता है कि हम लोग को कितनी वेलोसिटी देनी है, और उसके साथ ही साथ डिपेंड करता है एक और फैक्टर पे कि कितना वजन है, कितना मास है। तो ऐसे ही रोटेशनल मतलब किसी हैवी बॉडी को या लाइट बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना फोर्स को डिफरेंट फॉर्म में भी बोलेंगे हम लोग, फोर्स या एनर्जी कितनी लगेगी, राइट। तो वो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एनर्जी का डेरिवेशन, राइट। तो चलो फाइंड करते हैं, रोटेशनल मोशन में जब बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो मास का फैक्टर है, मतलब वो जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो उससे पता चलेगा कि हम लोग को कितना एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, समझो। जैसे देखो, जब डेरिवेशन लिखते हैं तो हम लोग बहुत कुछ ख्याल रखते हैं कि डेरिवेशन लिखने का एक स्टेप्स होता है, याद रखो हमेशा। जब कोई फॉर्मूला तुमको डिराइव करने के लिए बोला जाता है तो उसमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें डायग्राम, डिस्क्रिप्शन सभी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, हेडिंग है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि बॉडी कौन सी है, उसमें पैरामीटर्स क्या है, उसमें जो भी है वो सब डिस्क्राइब करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं डिस्क्राइब करके दूंगा फर्स्ट डेरिवेशन में। इसके बाद ऐसे ही दो डेरिवेशन है जिसमें मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बट तुमको यहाँ से आइडिया लेना है, ठीक है। तो चलो एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं, एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। रिजिड बॉडी मतलब इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी है, और ये क्या कर रहा है, एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, राइट। तो ये उसका एक्सिस हो गया, एक्सिस हो गया। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, फिलअप कर देता हूँ, देखो ये मैंने बॉडी बना दिया यहाँ पर, राइट। ये पूरी बॉडी सॉलिड बॉडी है ना, ये तो मतलब समझो कि ये सॉलिड बॉडी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पेंट वेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉलिड बॉडी है, समझ गए। तो सॉलिड बॉडी है यहाँ पर, सॉलिड बॉडी में एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी तो पूरा बॉडी तो छोटे छोटे मास को मिला के ही बना हुआ होगा। तो हम लोग कंसिडर करते हैं सपोज एन नंबर ऑफ मास, वन, एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक इधर, ऐसे ही रैंडमली हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ मासेस यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और वो मास कहाँ पर है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहेंगे। तो एक मास, मास एम वन का डिस्टेंस मैं आर वन कंसिडर करता हूँ, और ये इसको लेता हूँ एम टू, तो इसका डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लेता हूँ आर टू, और एक्सिस से डिस्टेंस लेना याद रखना, ये एक्सिस है, और यहाँ पे आर थ्री होगा क्योंकि ये मास एम थ्री है, एम थ्री का डिस्टेंस आर थ्री, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस आर एन। अभी कितना लिखोगे है मास, मतलब बहुत सारे नंबर होंगे, तो वहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, एम एन, एनी मास या फिर लास्ट वाला मास एम एन, जिसका डिस्टेंस कितना है आर एन, समझ गए। तो ये बॉडी पूरी बनी हुई है, और इससे क्या बनेगा, उसका टोटल मास बनेगा, उसका क्या बनेगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, राइट, टोटल ऑफ द मास। अच्छा चलो, ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ
रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अब देखो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे फैन था, फैन रोटेट कर रहा था, उसका एक मास क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। ऐसे ये बॉडी भी रोटेट कर रही है, तो उसका सिंगल मास की बात करूंगा तो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। एक एक छोटा छोटा मास, उसका कंस्टिट्यूएंट मास क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो मैं एक उस सबका अपना एक सर्कल होगा ऐसा देखो, उस और उसमें सर्कल होगा तो सर्कुलर मोशन जैसे आएगा वहां पे एक वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो मास वन के लिए वेलोसिटी वन, मास टू के लिए वेलोसिटी टू, मास थ्री के लिए वेलोसिटी थ्री, और ये हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में होता है ना, मास एम एन के लिए वेलोसिटी एम एन, ठीक है। और सबके पास एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। तो ये सब चीजें पैरामीटर्स याद रखो, क्या क्या यूज करने वाले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। सो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, टोटल मास ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल एम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ओ, पॉइंट ओ ऑफ द बॉडी, राइट, पॉइंट ओ ऑफ द बॉडी। तो ओ कहाँ पर है हमारा, ओ इस जगह पर देखो, ये सेंटर हम लोग ले रहे डायग्राम में, ओके। चलो ये तो हो गया। सो लेट अब हम लोग कंसिडरेशन एम वन एम टू क्या लिए वो थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि ये तुम यहाँ पे एक डायग्राम में क्या किया जब तक बताओगे नहीं सामने वाले को कैसे पता चलेगा, राइट। सो लेट एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन आर द मासेस, आर द कंस्टिट्यूइंग मासेस, कंस्टिट्यूइंग मासेस ऑफ द बॉडी, मासेस ऑफ द बॉडी विच आर सिचुएटेड एट द डिस्टेंस, आर वन आर टू आर थ्री अप टू, ऐसे लिखना है तुमको, अप टू आर एन हमेशा, ओके। एंड अब ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई, डिस्टेंस बता दिया, मास बता दिया, फ्रॉम, अच्छा कहाँ से ये डिस्टेंस कहाँ से है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस। एक इतना डिस्क्रिप्शन हो गया, अब वेलोसिटी के बारे में लिख दो, लेकिन उसके पहले बताओ, सिंस ईच मास परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाइल बॉडी इज रोटेटिंग, व्हाइल बॉडी इज रोटेटिंग, बॉडी इज व्हाट, रोटेटिंग, सो देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच मासेस विल बी वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन रेस्पेक्टिवली, राइट। एंड दे ऑल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। तो ये हो गया एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, समझ सकते हो, पहले मास के बारे में लिखा मैंने यहाँ पे, मास के बारे में लिखा, ओके। ये देखो मास के बारे में पहले लिखा मैंने, और मास के बारे में हो गया तो डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस हो गया तो वेलोसिटी बताया, और एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम है, ये इतना लिख दिया तो डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अब मेन बॉडी पे आते, जब देखो एक एक मास क्या कर रहा है, एक एक मास के पास क्या है, मतलब एक छोटे छोटे मास जिससे बॉडी बनी हुई है सबके पास क्या है, यहाँ पर सभी मास के पास यहाँ पर वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है, मास है, तो समझ सकते हो वहां पे लीनियर मोशन के हिसाब से फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी लीनियर ही है ना, वी वन वी टू वी थ्री। तो मैं एक एक पार्टिकल का मास लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलो लिखता हूँ मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो पहले एक इक्वेशन लिख देता हूं, देखो काइनेटिक
टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशनल, टोटल एनर्जी इन रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ ईच मासेस इन रोटेशनल मोशन। तो कहने का मतलब हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, सभी मास का एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा। सभी मास का मिलेगा तो हम लोगों को ये एनर्जी मिल जाएगी, राइट। तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग पहले सभी मास का एक एक करके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। ओके, सो सिंस काइनेटिक, पहले काइनेटिक फाइंड करेंगे फिर उसको एंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास एम, मास M1 इज इक्वल टू E1, इज इक्वल E1 कंसिडर कर रहे हैं हम लोग उसको, इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर, छोटे से मास का। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ M1 V1 की जगह पे लिख सकता हूँ R1 into ओमेगा स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ भाई, अपने मन का हो गया होगा मैं, नहीं, यहाँ पे सिंस V इज इक्वल टू R into ओमेगा होता है तो V को रिप्लेस किया है, इसको रिप्लेस किया तो ये दोनों आ गया, बराबर। अब समझो R1 क्यों लिखा, क्योंकि डिस्टेंस अलग है लेकिन ये क्या है, सबके लिए सेम है ओमेगा। तो मैं इसको फाइनली लिख देता हूँ हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो एक का हम लोगों ने क्लियरली फाइंड कर लिया ना कि क्या आएगा, तो ऐसे सिमिलरली बोल के मैं बाकी सबका भी लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली एनर्जी E2, मतलब मास M2 के लिए, मास M2 के लिए E2 कितना होगा, हाफ, देखो M1 की जगह पे M2 लिखो, R1 की जगह पे R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सेम रहेगा सब में। एंड E3 के लिए क्या लिखोगे, मास M3 का एनर्जी E3, और इसके लिए हाफ M V3 M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ऐसे करके हम लोग n पार्टिकल, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एनर्जी लिख सकते हो, राइट। तो En इज इक्वल टू हाफ MnRn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समझ गए, बहुत ही सिंपल है, इसको लिखना। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी फाइंड कर लूंगा। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी E इज इक्वल टू E1, छोटे छोटे मास का बॉडी एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एन नंबर ऑफ मासेस के। और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले में, देखो इसको मैं सबको ना इक्वेशन नंबर कितना ले लेता हूँ, जैसे ये इक्वेशन को 1 ले लेता हूँ और ये जो अपना आया था ये सबको 2 लेता हूँ। सो इक्वेशन 2 से हम लोगों को पता चल जाएगा। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे ये E1 की वैल्यू हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का लिखो M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस तीसरे वाले का लिखो हाफ M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस एन नंबर। ऐसा करना भूलना मत, मैं मजे के लिए नहीं कर रहा भाई, ऐसा लिखने का एक वे है क्योंकि बीच में बहुत सारे पार्टिकल आएंगे ना, MnRn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फाइन। अब देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, पहले वो देख लो सब में कॉमन क्या आ रहा है। सब में कॉमन अगर मैं देखने जाऊँ तो कॉमन आ रहा है हाफ और ओमेगा स्क्वायर, हाफ और क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, M1 और R1 स्क्वायर, बचा क्या, फर्स्ट वाले में M1 R1 स्क्वायर बच गया, इसमें ये बच गया, इसमें ये और इसमें ये, ठीक है, उसको सेपरेट करके लिखना है। तो M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर सो ऑन MnRn स्क्वायर, फाइन। चलो अब अपना काम हो रहा है धीरे धीरे। अब मैं ये सभी जो पार्टिकल्स है ना उसको एक फॉर्मूले फॉर्म में लिख देता हूँ, ऐसा ऑपरेटर लगाता हूँ, समेशन का ऑपरेटर, समेशन ये ऑपरेटर है, मतलब ये मतलब ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज करेगा पैरामीटर्स की और अपने आप प्लस करता जाएगा, तो इसको बोलते हैं समेशन ऑपरेटर। तो इसको जनरलाइज करता हूँ ओवरऑल, मैं क्या करूंगा, ये ब्रैकेट वाले टर्म्स को लिख रहा हूँ, M1 नहीं MIRI स्क्वायर,
आई का अभी वैल्यू फिक्स नहीं है। आई क्या हो सकता है, वन से एन तक हो सकता है, आई वन से एन तक वेरी करेगा। तो ये ब्रैकेट वाली टर्म्स को ऐसे हमने लिख दिया, मतलब आई की वैल्यू एक बार वन वन लेगा, यहाँ पे वन वन लिखेगा, फिर प्लस करेगा, टू टू होगा, फिर प्लस करेगा, तो ये पूरा ब्रैकेट ही जनरेट हो जाएगा ये वाला, समझे। और ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइन। चलो एनर्जी तो मिल गई हम लोगों को, टोटल एनर्जी, तो मैं इसको एक सिस्टमेटिक फिर से सेम स्टेप लिख रहा हूँ। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, वेर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, समेशन बोलते हैं इसको, समेशन मैं लिख भी देता हूँ, समेशन ऑपरेटर जो प्लस के लिए यूज होता है, एंड यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको बॉक्स में रखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट वेलोसिटी आई है मेरी, फाइन। ये हो गया अपना टोटल एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। कैसे किया हम लोगों ने, पहले एक छोटे छोटे मास का हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी एनर्जी निकाला, फिर उसको एंगुलर में कन्वर्ट कर दिया वी और ओमेगा का रिलेशन यूज करके। वैसे ही सभी मास का लिख के क्या किया, प्लस कर दिया, बहुत ही सिंपल है ये करना, ठीक है। लेकिन अब इसको स्टडी करते थोड़ा और मिनिमाइज करते, देखो अभी इसमें हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा बड़ा इक्वेशन बार बार कैसे लिखेंगे हम लोग, मतलब ये बड़ा सा, तो इसको मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ आई, जैसे तुम्हारे बुक में स्टैंडर्ड कुछ भी मत ले लेना, ठीक है। तो आई ले लो इसके लिए, ये आई क्यों ले रहे हैं इसका मीनिंग निकलेगा आप आगे चल के जब उसका फुल फॉर्म पता चलेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। आई क्या है यहाँ पे, आई ये ब्रैकेट वाला टर्म है, ब्रैकेट में क्या लिखा था, एम आई आर आई स्क्वायर, आई का वैल्यू क्या होता है, वन से एन तक होता है, समझ गए। तो ये हम लोगों ने कंसिडर किया, लेट लेट आई इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर वी कैन राइट। चलो ये इक्वेशन हो गया अपना, इक्वेशन नंबर थ्री ले लेता हूँ, राइट। और हाँ ठीक है, टू ऊपर लिया था ना, हाँ। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या इन लीनियर मोशन, इन लीनियर मोशन क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला जो आता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को मैं कंपेयर करूँ, ये रोटेशनल है ये लीनियर है, राइट। थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करूँ तो इसमें ये समझ में आता है कि जो मतलब मास का एनालॉगस, आई इज एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है सेम इम्पोर्टेंस। जैसे लीनियर मोशन के फॉर्मूले में मास का इम्पोर्टेंस जो है वही इम्पोर्टेंस आई टर्म्स का है, कंपेयर करने से पता चलता है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी, यहाँ पर भी एक वेलोसिटी है लीनियर मोशन, इसलिए लीनियर वेलोसिटी, या रोटेशनल इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एनालॉगस टू मास एन, राइट, एंड वेलोसिटी वी, नहीं ओमेगा लेता हूँ, वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इज एनालॉगस टू वी, राइट। हाफ हाफ तो दोनों में है, दिख रहा है हम लोगों को, ओके। सो देयरफॉर, नहीं देयरफॉर नहीं, ये तो हो गया, मैं देख लिखता हूँ यहाँ पर, एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था मुझे, हाँ देखो सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। सिंस मास इज रिस्पॉन्सिबल, मास एक्ट्स एज इनर्सिया, एक्ट्स एज इनर्सिया इन लीनियर मोशन, इनर्सिया दैट इज अपोजिशन, अपोजिशन फॉर अ फोर्स, अपोजिशन फॉर अ फोर्स, राइट। अपोजिशन एक्ट्स एज इनर्सिया इन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट द आई हैव द सेम इम्पॉर्टेंट, हैव द सेम इम्पॉर्टेंट, नहीं आई हैव द सेम इम्पॉर्टेंस इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, राइट। देखो मास इनर्सिया का काम करता है, तो मास इनर्सिया का काम करता है, तो इसमें आई भी इनर्सिया का ही काम करेगा। सो आई कैन बी डिफाइन एज, देयरफॉर आई कैन बी
डिफाइंड एज इनर्सिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इनर्सिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी और मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया रोटेटिंग बॉडी भी बोल सकते हो और मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी बोल सकते हो। और यहां पर एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है, क्योंकि आई का फॉर्मूले में देखो क्या क्या आ रहा है, आई के फॉर्मूले में ना दोनों आता है एम आई आर आई स्क्वायर, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, यहाँ पे मास तो आ ही रहा है साथ में डिस्टेंस भी आ रहा है उस मास का, राइट। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिपेंड ऑन मास, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब उस बॉडी में मास कितना है और कितनी दूरी पर है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस, समझ गए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, कि बॉडी का मास कितना है, मास कितना है और कितनी दूरी पर वो मास सिचुएटेड है। जैसे मैं बताऊं कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मास मैं मतलब बॉडी बनाता हूँ, ऐसी बॉडी बनाता हूँ ऐसा कुछ, ये फिर से बनाता हूँ, रुको फिर से बनाता हूँ भाई, हाँ ये देखो, ये देखो, अब इसमें क्या होता है, इस टाइप की बॉडी में और ये रेगुलर बॉडी, अगर रेगुलर जैसा बना दूं मैं ये दोनों बॉडी में, क्या हो जाएगा सिंपल सा, कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ये सपोज यहाँ से पकड़ के घुमाते हैं इसको, राइट right? तो इसका ज्यादातर मास इस बॉडी का कहाँ पे हो गया, ज्यादातर मास ये इतने डिस्टेंस पर आ रहा है, एवरेज मास, राइट, ज्यादा मास इस साइड आ रहा है, ओके okay? तो इसका इनर्शिया अलग होगा, इसका इनर्शिया अलग होगा। और इस बॉडी पे अगर हम लोग अगर एक्सिस कहाँ चूज करते हैं, यहाँ पर उसको फिक्स करके रोटेट करते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा और ये बोल सकता हूँ कम होगा, ऐसा बोल सकता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पर कोई डिस्क है, सपोज ये डिस्क है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, दोनों में डिफरेंस है, मतलब दोनों केस में देख सकते हो तुम बॉडी का मास उतना ही है, बट एक्सिस लेते हैं उसके बाद हम लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि टोटल मास मतलब मैक्सिमम मास कितनी दूरी पर है। अगर ये देखो जैसे इस एक्सिस को लेंगे तो इसका पूरा पूरा मास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो कहने का मतलब यहाँ पे इसके अलॉन्ग इनर्सिया, अच्छा सपोज ये आई टू है और ये आई वन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई टू विल बी ग्रेटर, मतलब इस केस में अपोजिशन कौन से, I2 वाले केस में अपोजिशन ज्यादा होगा I1 वाले केस से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म हो जा रहा है एक्सिस के फर्स्ट वाले में, लेकिन सेकेंड वाले का में डिसबैलेंस हो जा रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ, राइट। और इस बॉडी में भी I2 ये है, I1 ये है, तो I2 विल बी मोर, I2 विल बी मोर देन I1, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इससे मास जो है ना ज्यादातर दूर शिफ्ट हो चुका है, इसीलिए इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा तो अपोजिशन ज्यादा, अपोजिशन ज्यादा तो बॉडी को रोटेट करने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो भी ज्यादा होगा, समझ रहे। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया इनर्शिया का, तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन टू थिंग, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस, समझे। चलो अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, इस टाइप की बॉडी नहीं देखे रहोगे तुम लोग, तो एक तुम्हारे बुक के अंदर ही लेके बताता हूँ। देखो जैसे तुम्हारी ये बुक रहती है, बुक को तुम कभी कभी मस्ती मस्ती में क्या करते हो, रोटेट करते हो, यहाँ पे उंगली रखते हो नीचे से और इसको ऐसे घुमाते हो और ये तुम्हारी उंगली के ऊपर घूम सकता है या जिसको आता रहेगा, मेरे को तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन आसानी से तुम घुमा सकते हो, तो मतलब तुम यहाँ पे उंगली फिक्स किए तो ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, राइट। और यहाँ पे कैसे घूम रहा है पता है, तुम बैलेंस होके घूम रहा है, क्योंकि उससे जो मास है पूरी बुक का चारों तरफ सेम मास आ रहा है। लेकिन यही चीज अगर तुमको मैं बोलूँ, ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, क्या यही चीज बोलूँ कि तुम यहाँ पे रखो अपनी उंगली नीचे और एक्सिस यहाँ पर फिक्स करो,
और अब घुमाओ, तो नहीं घुमा पाओगे, कोई भी स्वर्ग पे तुम अपनी उंगली से नहीं घुमा सकते, क्योंकि तुम्हारे बुक का मास ज्यादातर इस साइड शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो मतलब इसका इनर्शिया इंक्रीज हो गया, इसमें इनर्शिया कम था, क्योंकि यहाँ पे मास क्या था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था सभी साइड, लेकिन यहाँ पर एक ही तरफ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया। मास तो बुक का तो टोटल मास सेम ही है, लेकिन एक्सिस चूज करने की वजह से हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें ज्यादा टॉर्क लगेगा, तो I2 का अपोजिशन ज्यादा है I1 से। समझ गए, ये तीन एग्जाम्पल में तुम समझ गए रहोगे, मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो और भी डिटेल में हम लोग बातें करते हैं अभी, लेकिन ये पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लाया, इसको मास से लीनियर मोशन में कैसे कंपेयर किया, ये डेरिवेशन कैसे किया हम लोगों ने, वो सब अच्छे से तुमको देखना है। अब इसके जस्ट हम लोग अभी नेक्स्ट में जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो तुमको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, राइट, ये सब बातें करेंगे हम लोग। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, पहले फॉर्मूला क्या आया था याद दिलाओ। चलो नहीं याद हो तो मेरा देखो भाई, मैं ही बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डिटेल फॉर्मूला आया था वो बताता हूँ। ऐसा फॉर्मूला आया था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn, इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, तो n पार्टिकल है सबको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो mn r n स्क्वायर, ये इक्वेशन उसका, जिसको हम लोगों ने समेशन के फॉर्म में कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, mi² r n² i = 1 टू n, राइट। हाँ, n से i की वैल्यू चेंज होती है 1 से n तक, ओके। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया अगर तुमको कोई पूछे तो तुम बोल सकते हो ये वाला कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, ये क्या है, मास है, प्रोडक्ट है मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का, राइट, ये लिखना है मुझे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई इज डिफाइंड एज द मास, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मास मासेस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस सेस डिस्टेंसेस फ्रॉम डिस्टेंसेस फ्रॉम वेट वेट 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, उसके पहले लिख दो सम ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, तो सम सम तो आता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सिंपल वर्ड में ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, समझे। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। तो यूनिट क्या होगा, आप देखो ये छोटे छोटे मास को अगर यहाँ पे देखो सेकेंड लाइन में, छोटे छोटे मास को अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो पूरी बॉडी का मास मिलेगा, एवरेज मास मिल जाएगा हम लोग को, तो एवरेज मास एम हो जाएगा, और जो एवरेज डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर हो जाएगा, राइट। तो ये भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, mr² ये टोटल, एम इज द टोटल मास, टोटल मास, और आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस, समझ गया। अब इसके हिसाब से यूनिट अगर लिखने की कोशिश करूं मैं, तो यूनिट कैसे लिख लूंगा मैं, देखो, तो यूनिट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी है, और यूनिट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, राइट। तो यूनिट ऑफ इनर्शिया भी मिल गया हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट ओनली इनर्शिया, ओके। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंगली अगर तुम इसका डायमेंशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो डायमेंशन, राइट। डायमेंशन क्या लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर का, तो मास एल, एल देखो इसमें 2 है, एम कितना है 1 है, और टाइम कितना है 0, समझ गए। तो ये इनर्शिया का डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया, और स्टेटमेंट हो गया। और
इसका इम्पोर्टेंस के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका इम्पोर्टेंस ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने पहले तीन एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कोई रॉड है यहाँ पर, रॉड को तुम यहाँ पर मतलब फिक्स करके घुमा रहे हो तो तुमको एनर्जी कम देनी, टॉर्क कम लगाना पड़ता है। अगर यही रॉड को तुम किसी एक एंड से पकड़ो, एंड से, और इसको रोटेट करो, तो कंपेरेटिवली क्या होगा, इनर्सिया ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसको आई टू कंसिडर कर रहा हूँ, इसको आई वन इनर्सिया, तो आई टू विल बी ग्रेटर देन आई वन, और इनर्सिया ज़्यादा होने का मतलब अपोजिशन ज़्यादा होता है, ये याद रखो। तो कहने का मतलब रॉड वही, बॉडी वही, एक्सिस अलग अलग, बॉडी वही होती है बट एक्सिस का पोजीशन चेंज होने की वजह से उस पर कितना टॉर्क लगेगा, मतलब कितनी एनर्जी लगेगी, उसका मोमेंटम कितना, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये सब चीजें क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इस चैप्टर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर में, मतलब इस पूरे पार्ट में, रोटेशनल मोशन में इनर्शिया के आसपास ही पूरा चैप्टर घूमेगा। मतलब हम लोग अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको क्या करने वाला हूँ कि एक रिंग या डिस्क का इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, रिंग या फिर डिस्क का इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद हम लोग दो प्रिंसिपल सीखेंगे, किसी एक बॉडी मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से पास, पॉइंट से पास हो रहा एक्सिस, तो उसके अलावा इनर्शिया फाइंड करने का एक थियरम भी होता है, दो थियरम है तुम्हारा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो करने वाले, लेकिन इस चैप्टर, इस लेक्चर में तुमको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कंप्लीटली फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा उस पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ये एक बार तुमको समझ में आ गया ना, ये चैप्टर थोड़ा इजी हो जाता है। अब उसके बाद सिर्फ हार्ड वाला पार्ट कैसे होता है कि कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते, समझे? तो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब सिक्स्थ लेक्चर में मैं ये बताने वाला हूँ कि रिंग और डिस्क का इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। रिंग और डिस्क का इनर्शिया, ये रिंग हो गया, ये रिंग मास से पास होता हुआ एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका भी सेंटर ऑफ मास, तो इस केस में इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, बट कैसे होता है हम लोग प्रूफ सीखेंगे, और इस केस में क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ये भी इसका भी प्रूफ सीखेंगे। ये प्रूफ होने के बाद हम लोग थियरम सीखेंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल वाले वीडियो में, ओके? चलो बाय बाय, और ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड्स को भी तुम शेयर कर सकते हो चाहिए तो। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये प्रूफ के साथ में, टू प्रूव दैट, लेकिन इस लेक्चर में तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका यूनिट डायमेंशन स्टेटमेंट क्या है, ओके? चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और भी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, सिंपलेस्ट फिजिक्स बाय एसी। चलो थैंक यू, बाय बाय।